सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवुड। तो आज की वीडियो में मैं अमन दीवान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों के लिए काफी जरूरी होने वाली है, क्योंकि आपके ये बहुत काम आएगी अगर आप लोग कोई फोन बेचने जाते हैं। तो इस कारण आपके लिए ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, टेकवुड चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमें अगर हम कोई फोन बेचने जाते हैं या बेच रहे हैं तो हमें फोन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने डाटा का बैकअप ले लेना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल डाटा या वाईफाई की सुविधा है तो आप लोग डाटा का बैकअप ले सकते हैं अपने जीमेल पर। तो कुछ लोग जैसे बिगनर्स हैं जो थोड़ा गांव साइड रहते हैं या थोड़ा अलग रहते हैं, तो वो कुछ लोग नहीं जानते हैं कि जीमेल के बारे में। तो जीमेल एक आपके प्ले स्टोर पर खुलता है, वो आपके सारे काफी काम आते हैं। उस पे आप नंबर सेव कर सकते हैं, अपनी वीडियो फोटो सेंड सेव कर सकते हैं, तो इस काम वो आता है। तो प्लीज जीमेल का आप सभी यूज किया कीजिए। जीमेल कई लोगों को मैंने देखा है जीमेल बनाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। इस कारण काफी जीमेल्स गूगल के ऊपर हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ना किया कीजिए। जब जीमेल बनाएं तो उसका पासवर्ड जरूर याद रखें और एक ही जीमेल का यूज करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग 15 जीमेल बनाकर एक मोबाइल पर रखें। तो एक जीमेल काफी है अपने स्टोरेज के लिए, यानी आपके फोन नंबर्स और फोटोज वीडियोस के लिए एक जीमेल काफी है। और उसका पासवर्ड याद रखिए। अब जो लोग पासवर्ड भूल चुके हैं अपने जीमेल का, वो अब जिस फोन में खुला हुआ है वहां पे जाइए, जीमेल पढ़ लीजिए एक बार, उसको लिख लीजिए कहीं पे, और साथ ही साथ अदर फोन में खोलने की कोशिश कीजिए। तो उसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। तो कुछ जीमेल पे आपके या उससे लिंक जो नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा, आप उससे दूसरा जनरेट कर लीजिएगा पासवर्ड और उसको भी लिख लीजिएगा कहीं पे। तो आप जीमेल पर ले सकते हैं बैकअप और नंबर जब सेव किया कीजिए तो जीमेल पे किया कीजिए। इससे आपके नंबर्स जो रहेंगे वो जब आप कहीं किसी अलग फोन में ओपन करेंगे अपना जीमेल तो वहां पे आपके सारे नंबर शो हो जाएंगे। तो ये हमारी थी पहली ट्रिक। तो अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की ओर कि अगर आपके पास वाईफाई या मोबाइल डाटा का सुविधा नहीं है तो आप लोग क्या करें। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है या कोई सेकेंडरी स्मार्टफोन है तो उसपे आप लोग बैकअप की तरीके से यूज कर सकते हैं। कई सारे फोन में आते हैं ऐप जिससे आप स्विच कर सकते हैं एक फोन से दूसरे फोन पर अपना डाटा। तो जैसे कि जियो का स्विच है, स्मार्ट स्विच, तो ऐसे ऐप्स को आप यूज कर सकते हैं। और अदर अदर ब्रांड्स के सैमसंग का स्विच है, वन प्लस का स्विच है, ऐसे ही कई सारे फोन्स के स्विच एप्लीकेशन आते रहते हैं जो कि आप उससे स्विच कर सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, गूगल फाइल से अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और नंबर्स कहीं लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, क्योंकि हमें पुराने फोन को फॉर्मेट करना है फुल्ली। तो फॉर्मेट की प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा, केवल नॉर्मल फॉर्मेट करके मत छोड़िएगा। तो चलिए अगले टिप्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ फॉर्मेट ही है। तो आप अपने फोन को कैसे फॉर्मेट करें। सिंगल फॉर्मेट से आपके कोई भी डाटा वापस आ सकते हैं एज इट इज, जैसे वो थे, क्योंकि फॉर्मेट करते हैं जब आप अपने फोन को, यानी फैक्ट्री रीसेट करते हैं जब अपने फोन की डाटा क्लियर करते हैं, तो तब भी जो फोटो रहती है, जो वीडियो रहती है, या कोई नंबर या कोई डाटा फोन के इंटरनल स्टोरेज में जाकर छुपा हुआ होता है, रखा हुआ होता है वहीं पे, यानी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप लोग एक बार फॉर्मेट कीजिए और दोबारा फॉर्मेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लोग एक ऐप आता है डिस्क डिगर, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्मेट करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे उस एप्लीकेशन में जो फॉर्मेट हुए हैं फोटोज वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को कई बार फॉर्मेट कीजिए। तो कई बार फॉर्मेट करने के बाद भी अगर वो दिखाता है उसमें
ऐप में एप्लीकेशन में, तो उस एप्लीकेशन में जो फोटोज दिखाते हैं उनको सेलेक्ट करके, उनको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिए परमानेंटली, तो तब कोई भी एप्लीकेशन उस फोटोज या वीडियोस को रिकवर नहीं कर सकता है, जैसे कि अभी हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क ड्रिगर में आपके जो पुराने फोटोज डिलीट हुए हैं वो चीज आप कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, वहां से डिस्क ड्रिगर ढूंढ के लाता है, लेकिन अगर आप डिस्क ड्रिगर एप्लीकेशन में भी अगर आप डिलीट कर देंगे परमानेंटली, तो कोई भी एप्लीकेशन आपकी फोटोज या वीडियोज वापस नहीं ला सकता है। तो इस कारण आप जब फोन को बेचने जाए या बेच चुके हैं तो लेकर ये जरूर कीजिएगा कि अगर फॉर्मेट कर सके तो फॉर्मेट कर दीजिएगा, वरना डिस्क ड्रिगर डाउनलोड करके अपने फोन की फोटोज को या जो वीडियोज को डिलीट परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, जिससे आपका डाटा जो है वो काफी सेफ रहेगा। और अपने फोन में, नए फोन में अगर आपने बैकअप लिया हुआ है पुराने फोन में, तो अपने फोन में एज इट इज रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप गूगल फोटोज, मैंने कहा कि आप अपना जीमेल जरूर याद रखिएगा, जीमेल अगर आप लोग नए फोन में खोलते हैं तो वहां पे आपकी फोटोज और वीडियो शो होने लगेंगी, तो इस कारण अपना जीमेल और जीमेल का पासवर्ड जरूर याद रखें, तो इससे अपना जो फोन का फोटोज है और वीडियोज और नंबर्स, आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपको नए फोन में मिल जाएगा, जैसे आप लोग अपना जीमेल ओपन करेंगे उस फोन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए लगी हो, तो जरूर लाइक करके जाइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं बेशक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।